नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। राजनगरी आगरा सहित कई जिलों में जैसे ही बुधवार की दोपहर 2 बजे परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे तो उन्हें जानकारी हुई कि परीक्षा निरस्त कर दी गई है, जिससे परीक्षार्थियों ने आक्रोशित होकर जहां शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तो वहीं कॉलेज प्रशासन एवं सरकार को इसके लिए दोषी माना। परीक्षार्थियों का कहना है कि आसमान से आग बरस रही है, ऐसे में तपती दोपहरी में वो परीक्षा देने दोपहर 2 बजे पहुंचे तो उन्हें जानकारी हुई कि उनकी परीक्षा निरस्त कर दी गई है। ऐसे में उन्हें भारी आक्रोश है और उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि इस प्रकार हर परीक्षा को शासन प्रशासन इसी प्रकार निरस्त करता रहेगा तो आखिर छात्रों का कब उत्साह बढ़ेगा, कब मनोबल बढ़ेगा। इस प्रकार भरी दोपहरी में छात्रों को वापस लौटकर जाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बुधवार को होने वाली यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द करने का मामला सामने आया है। दोपहर 2 बजे की पाली में इंटरमीडियम की अंग्रेजी विषय की परीक्षा होनी थी। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से पेपर लीक होने का मामला सामने आया है, जिसके बाद बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई है। तो वहीं बलिया के अलावा आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी सहित तमाम जिलों से भी पेपर लीक होने की जानकारी सामने आई है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में आज होने वाली बोर्ड की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। तो आप हमारे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर, देखिए क्या बोले छात्र छात्राएं, किस प्रकार का उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया है और इस पूरी परीक्षा को लेकर क्या बोले हैं परीक्षार्थी। मेरा नाम संदीप है। अच्छा, यहाँ जो पेपर देने आए थे उसका क्या हुआ? वो पेपर लीक हो चुका है, मैं पेपर देने आया था। पेपर की अच्छी तैयारी थी हमारी और हम पेपर देने आए थे और पेपर लीक हो गया है। कौन सी क्लास में? क्लास 12th में। किसका पेपर था? आज इंग्लिश का पेपर था। इंग्लिश का पेपर था। अच्छा, कितनी दूर से पेपर देने आते हैं? पेपर देने आए हम कम से कम 8 किलोमीटर के दायरे से, साइकिल से। साइकिल से। अब उम्मीद कब की है, कब होगा इसका इंग्लिश का पेपर? अब ये उम्मीद लास्ट में ही होगा, ये शायद अभी कोई पता नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद फ्रॉम लोहिया। अच्छा, ये कह रहा हूँ आज जो पेपर था कौन सी क्लास का था? 12वीं क्लास का पेपर था इंग्लिश का और वो हो गया लीक। और हम तो फुल तैयारी था, हम तो फुल तैयारी था, यहाँ ना मिला कद्दू बोल करवा लीजिए। जी, अब फिर कब होगा उम्मीद है? अब ये पता नहीं कब होगा, अब पता नहीं कब होगा। हम तो बहुत दूर जा रखे हैं, ये जो है हमारे भैया एक हैं, एक हम सारों पता नहीं बहुत दूर जा रखे हम तो। कितने पर देना परेशानी बार बार से आते में होती है, दूर दूर से आ रहे हैं सब, बहुत परेशानी होती है। गर्मी इतनी है, साला चप्पल में आओ, जूते में पहन के मत आओ, ये पहन के मत आओ। एक तो एक गाड़ी में पेट्रोल, गाड़ी कलेक्ट कर कर हर चीज में प्रॉब्लम होती है सर। तैयारी इस बार ठीक? तैयारी अच्छी करी थी, तैयारी पूरी पूरी करी थी। डबल तैयारी करनी पड़ेगी अब, अब डबल तैयारी करनी पड़ेगी। पर ये पता नहीं एग्जाम कब होगा, अभी डेट न्यूज में आएगी, अब पता नहीं कब डेट आए कब नहीं आए। पर ये तो है सर, थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम तो सबको ही हो रही है इससे ज्यादा। जी सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हम दोबारा मांगते हैं पेपर हो जाए हमारा, पेपर ही होगा। और ऐसे तो है नहीं कि पेपर हम अपनी तरफ से वो पास दे देंगे या पेपर के क्लियर कर देंगे सबके लिए, पर यही है। मेरा नाम सचिन तोमर है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th में हूँ। सचिन, आज पेपर लीक हुआ उसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई, किसको दोषी मानते हो, कितनी परेशानी हुई आपको? हमको बहुत परेशानी हुई, हमने पूरी रात जग के मेहनत की और काफ़ी तैयारी करके आए हैं। अब हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इनकी थोड़ी वो है। पेपर लीक हुआ है किसे दोषी मानते हैं? हर बार यही होता है, पेपर लीक हो जाता है, छात्रों की तैयारी बेकार हो जाती है। दोषी तो हम इनको ही मानते हैं, कॉलेज को और सरकार को भी मानते हैं। जो सरकार करेगी वो कॉलेज वाले थोड़ी नहीं कर रहे हैं, अपनी तरफ से सरकार की तरफ से ये ऑर्डर होंगे, इसीलिए लीक हुए। हम तो पूरी मेहनत करके आए हैं और सब है हमारे साथ। जी सर, आप बताइए पेपर लीक हुआ है, परीक्षा रद्द हुई है, कितनी परेशानी? सर बहुत परेशानी हुई है। सर दोषी इन्हीं को मानते हैं सर, जो लीक हुई है तो इन्हीं को मानते हैं सर। जी मानते हैं सर। नाम बताइए और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नाम आदित्य तिवारी, कक्षा 12। आज पेपर लीक, आज पेपर लीक होने की वजह से कैंसिल होगा, कितनी तैयारी की थी, कितनी परेशानी? फुल तैयारी है, ये आप देख सकते हो, हाथ में ये बैग है और पूरी कॉपी है। 6 दिन का नुकसान हो गया है, पूरी तैयारी से हो गया, आए थे घर से। क्या चाहते हैं? और ये चाहते हैं कि पेपर दोबारा हो, जल्दी हो। पर